कि मुझे पता भी था कि आप इस क्वेश्चन को करोगे और मैं इस क्वेश्चन को ट्रांसफर करता हूं क्योंकि राजनीति से इसको बचाना है, तो आप एके मिश्रा जी के पास चले जाए। गजब गजब, क्या ट्वीटिंग है। मुद्दा ये होना चाहिए, भले ही सारी मीडिया जो भी हो बोल रही हो कि ये बहुत बड़ा देश की घटना है, मैं मानता हूं ये बड़ी साधारण घटना है, इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों पकड़ लिया। अरे कोई पकड़ तो पा नहीं रहे, किसी के पास तर्क है नहीं, जवाब है नहीं। आपने एके मिश्रा को भाजपा ही बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, बोलते हैं लोग पार्टी के लोगों के पास मेरे तर्कों का जवाब नहीं रहता है, तो कभी मुझे समाजवादी बता देंगे, कभी कांग्रेसी, कभी भाजपा ही। मैंने शुरू में बोल दिया पॉलिटिकल पार्टियों को मार करिए। प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब मैं समझ गया आप क्यों एके मिश्रा से इतना प्रभावित है, मैं समझ गया। एक मिनट, अरे ईमान वाले मेरे भाई, ईमान पे तो टिको। एके मिश्रा थोड़ा सा आराम से, पानी पी लूं पानी पी लूं। देश की सबसे बड़ी खबर क्या, खबर ये कि अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एके मिश्रा मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, जो बेबाक अंदाज से अपनी बात को, अपनी राय को रखते हैं। 80-20 में जो अस्सी और 20 का विश्लेषण जो है वो अखिलेश मिश्रा जी मुझे समझा चुके हैं और बहुत अच्छी तरह समझाया था एके मिश्रा जी ने मुझे। प्रमुख साहब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप मुझ पे? गुस्सा नहीं हो तिलक सर, मेरा अंदाज कुछ मेरे आदरणीय मिश्रा जी जैसा है। एके मिश्रा साहब आप किस तरह से देखते हैं ये इस बेहतरीन इवेंट को जो आज पूरे देश ने देखा, आपको कैसा महसूस हुआ ये इतना जबरदस्त इवेंट देखकर कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जो है वो देश की सबसे बड़ी खबर बन गई? आपकी थोड़ा सा विनय है, भूलिएगा नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा। जैसे दूध में नींबू निचोड़ा जाता है ताकि दही और पानी अलग हो जाए, परिस्थिति साफ हो जाए, आपके डिबेट में भी अभी नींबू निचोड़ने की जरूरत है, जो कि मैं निचोड़ने जा रहा हूं ताकि फैक्ट क्या है वो अलग हो जाए और झूठ क्या है वो अलग हो जाए। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र ने बोला कि अपर्णा यादव का कोई कद या हैसियत नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, वो एक साधारण इंसान है, न उन्होंने राजनीति में बहुत काम किया है, न जीते हैं, न कोई कलेक्टर है, न जज है। पहली चीज, मुद्दा ये होना चाहिए, भले ही सारी मीडिया जो भी हो बोल रही हो कि ये बहुत बड़ा देश की घटना है, मैं मानता हूं ये बड़ी साधारण घटना है, इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों पकड़ लिया। मुद्दा ये होना चाहिए, भले ही सारी मीडिया जो भी हो बोल रही हो कि ये बहुत बड़ा देश की घटना है, मैं मानता हूं ये बड़ी साधारण घटना है, इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों पकड़ लिया। एक साधारण सी महिला एक पार्टी में चली गई और दुविधा लोगों की ये है कि इतने बड़े बड़े हस्तियों ने उसका स्वागत किया, ये मूल मुद्दा है। देखिए अपर्णा यादव क्यों गई, मैं आपको बताता हूं। जो आप बोल रहे थे महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी से मेरा कोई नाता नहीं है, उनको हटा दीजिए। यह एक व्यक्तिगत घटना है, अपर्णा यादव का व्यक्तिगत डिसीजन है और वो व्यक्तिगत घटनाक्रम के तहत गई है। अब वो क्यों गई है, देखिए महिलाओं का सम्मान सपाइयों ने किया था, मायावती जी भी हैं, दुनिया जानती है, महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं केवल भगवा के आचरण में, भगवा के आंचल में। तो योगी आदित्यनाथ से क्यों प्रभावित हुई, वो इसलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के कारण प्रभावित नहीं हुई है, वो भगवा आचरण के कारण प्रभावित हुई है, इसलिए वो भगवा के शरण में गई है, उसके छत्र साया में गई है, हृदय परिवर्तन हुआ। अपर्णा यादव की हालत समाजवादी पार्टी में वही थी, चूंकि बिष्ट परिवार, आप उत्तराखंड के हैं आप जानते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, इनका लालन पालन एकदम सनातनी माहौल में हुआ था और उनके विचारों के हिसाब से वो समाजवादी पार्टी कुनबे में फंस के उनकी हालत यही थी, जैसे 32 दांतों के बीच में कोमल जीवा रहती है। तो ये देखिए नारी शक्ति की ये पराकाष्ठा बताता है कि इतने शक्तिशाली परिवार के सारे बंधनों को, सारे प्रेशर को तोड़ते हुए वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके मिली है जहां पे कि उनको लगता है कि शायद वो जो उनकी ओरिजिनल अपब्रिंगिंग है, जो विचारधारा है, जो उनके हृदय की सनातनी विचारधारा है, उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, अपर्णा यादव भी जानती है कि वो उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, मिनिस्टर नहीं बनेगी, भाजपा ने भी ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया,
अगर अपर्णा यादव के अंदर लालच रहा होता तो ऐसी भी पार्टियां हैं जिसने बोला है कि हम 10 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे, वहां जाती और इस वादे के साथ जाती कि हम जीतेंगे तो आपको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे एक साल के लिए बनाए। ये वैचारिक मिलन है, दो विचारधाराएं एक दूसरे से बहुत दूर नहीं रह सकती हैं। कोई एक विचारधारा, जैसे सुनिए, जैसे कोई वामपंथी विचारधारा अगर सनातनियों के बीच में फंस जाए तो वो उसके लिए बड़ी मुसीबत होती है, वो वहां से भागता है। इसी तरीके से एक सनातनी विचारधारा की महिला, एक देश की बेटी, लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली कहावत को किसी ने चरितार्थ किया है आज तो अपर्णा यादव ने, खानदान से अलग, राजनीति से अलग। यादव खानदान के खिलाफ आप जरा सा बोल दीजिए, अमिताभ सिंह का उदाहरण है रिकॉर्डिंग का, क्या हालत होती है। और उसने इतनी हिम्मत दिखाई है वो सिर्फ इसलिए कि वो एक सनातनी पुत्र वधू है, उसे ना अपने पति की परवाह, न ससुर की परवाह, न देशद्रोहियों की परवाह, किसी की परवाह नहीं है। उसे परवाह है तो केवल सनातन विचारधारा की, सनातन धर्म ध्वजा की, इसीलिए वो एक सनातनी के साथ जाके मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्य के साथ नहीं, भाजपा के साथ नहीं मिली है, एक सनातनी माहौल में वो बहू गई है। ओके, आशु अबाजी गुस्सा नहीं, एक मिनट, एक ही निशान कहां कौन गुस्सा कर रहा है? नहीं नहीं, वो आशु अबाजी को गुस्सा आ रहा है, एक मिश्रा जी एक बात जानना चाह रहा था, यानी आप ये कह रहे हैं बहुत जो है अपने आप में बड़ी बात है, तभी वो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक साधारण घटना है, इसको इतना बड़ा करके नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तभी साधारण घटना है, वैसी साधारण घटना की कोई भी आम आदमी पार्टी यानी की आम चेहरा बीजेपी को ज्वाइन करता है, एक महिला चेहरा जिसे मुख्यमंत्री खुद ज्वाइन करवाते हैं, उप मुख्यमंत्री खुद ज्वाइन करवाते हैं और स्वतंत्र देव जी फोटो खिंचवाते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं। मैं बता, यस यस यस, मैं बोल रहा हूं और इसका भी एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अपर्णा यादव का कोई राजनीतिक कद नहीं है, सबने बोला मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन इतना ग्रैंड वेलकम कोई कद नहीं है, ना चुनाव जीती है, ना कभी एक्टिव रही है, ना कुछ नहीं है। उनकी काबिलियत क्या है? उनकी खासियत सिर्फ और सिर्फ ये चीज है कि वो एक सनातन में विश्वास करने वाली महिला है, और इतना ग्रैंड वेलकम क्यों हुआ, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ग्रैंड वेलकम क्यों हुआ? हाँ, ग्रैंड वेलकम क्यों हुआ बताइए, रेड कार्पेट। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, ग्रैंड वेलकम इसलिए हुआ कि जब कोई साधारण विचार वाला आदमी असाधारण फैसले लेता है तो उसके वेलकम के लिए असाधारण लोगों को झुकना पड़ता है, इसलिए ग्रैंड वेलकम हुआ है। अच्छा, अभी जाके अखिलेश यादव ज्वाइन कर ले, उनका कोई वेलकम नहीं होगा, लेकिन एक साधारण सी महिला ने, आप जरा तोड़ के देखिए इस बंधन को, एक साधारण सी महिला ने अपने ससुर को, जो इस चीज के लिए जाने जाते हैं गुंडई के लिए, अपने पति को, अपने ससुराल को, सारे बंधनों को तोड़ के सनातन की विचारधारा में मिली है, तो वो ग्रैंड वेलकम का हकदार है। मैं तो बोलता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को जाकर के वेलकम करना चाहिए था। ओके 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 सर, कुछ ज्यादा हो गया। उजैर निजाम साहब, अब आ रहा ऑडियो मेरा आपको? एके मिश्रा जी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी तो सिर्फ बोलती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अपर्णा यादव ने तो करके दिखा दिया कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सुना आपने? प्रियंका, मैं थोड़ा समय दीजिएगा, हमें पूरा थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगे हैं। जैसे प्रियंका जी ने जो कहा है, प्रियंका जी ने शुरू से लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस पार्टी को किसी चीज की, किसी और नेता की, किसी पार्टी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे हमने पहले से भी कहा कि पंचायतों में हमने आरक्षण दिया, पहले भी हमने कहा कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में जरूरी है, नौकरियों में जरूरी है, और अभी आपको पता ही होगा कि महिलाओं की भागीदारी का जो विधेयक है वो अभी भी संसद में पड़ा हुआ है, अगर कांग्रेस की सरकार 2014 में आई होती तो वो पास हो गया होता। कांग्रेस को एक मिश्रा कह रहे हैं लड़की लड़ सकती है, महिलाओं को भागीदारी दी है, मुद्दे पे आइए ना। मुद्दे पे मुद्दा ये कि कांग्रेस पार्टी, प्रियंका जी ने जो कहा है, अभी तो पहली बार ये नारा हमने दिया है 40%, और हमने अभी आपने 125 टिकटों में हमने 50 टिकट दिए हैं, और ऐसे लोगों को हमने टिकट दिए हैं जो कि जैसे आप एक टिकट हमने दिया हाथ वहां पे दिया, ये उन्नाव की जो पीड़िता थी उसकी माँ को दिया टिकट, फिर एक CNRC में जिसपे पुलिस ने जुल्म किया था उनको टिकट दिया, फिर कुंभा में एक लोगों को टिकट दिया, तो हम लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो शोषित और पीड़ित है, और उनको एक मौका दिया जा रहा है कि वो खुद अपने हक की लड़ाई लड़े, ये नहीं कि किसी और नेता को मौका दिया जाए उस सीट पे, वो पीड़ित है, शोषित है, खुद अपने हक की लड़ाई लड़े, और जनता उनको चुने कि ये व्यक्ति पीड़ित था, आज को वो सक्षम है और वो अपनी लड़ाई लड़े,
और कांग्रेस पार्टी ने जो किया है महिलाओं के लिए, आपने देखा जो हमने पहला स्टेप शुरू किया है, पहले हमने टिकट बांट दिए और जनता के बीच में, आपको पता होगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में, आपको ये फर्क दिखेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया हमें दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हमारा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू जी या हमारी माननीय जो हमारी सेक्रेटरी है प्रियंका जी, देखिए महिलाओं का सम्मान, मेरे कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे हैं, मैं 2 घटना बताऊंगा। साहबानों का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने बहुत अच्छा सम्मान किया था, दूसरा नियम बना दिया। दूसरा सम्मान महिलाओं का, तो मैं आपको बताता हूँ मेनका गांधी के साथ क्या हुआ था रात को 12 बजे। तीसरा सम्मान महिलाओं का, समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से सम्मान हमारे प्रदेश की एक दलित भूतपूर्व मुख्यमंत्री के साथ किया था। राजनीतिक विचारधारा मेरी अलग हो सकती है, सब कुछ अलग हो सकता है, उन सम्मानों को मैं भूला नहीं हूँ। तो अगर अगर, अगर अगर मानिए आप इतिहास में ना जाइए, तो भविष्य में चले जाते हैं, भविष्य भी दिख रहा है ना। चलिए हम भविष्य की बात कर लेते हैं, हम भविष्य की बात कर रहे हैं। वो हमारा नहीं है सर, जिसने किया था उससे पूछिए, लाल टोपी वाले बैठे हुए हैं उनसे पूछिए, वो जवाब देंगे। हमने सारी पार्टियों का बताया कौन महिलाओं का सम्मान कर रही है। सुनिए मैं आपको बता, उस फर्क है, उसमें बलात्कार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, लेकिन साहबानों का केस बनता था तो कांग्रेस के नेता ने बनता था, समाजवादी पार्टी जो है अपने भारत में मायावती के इंडिविजुअल नेताओं ने किया है। फर्क है, ये दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बलात्कार किया है, बलात्कार के मुकदमे में जेल में बंद है वो। अरे भाई, न्याय यहाँ पे भी हो रहा है। मेनका गांधी को तो उनके घर से ही निकाल दिया गया, बारह बजे। और अगर इतना न्याय पसंद है तो आज की सरकार थी, मायावती जी वाला केस आपने क्यों नहीं चलाया? क्यों नहीं दोषियों को, क्यों नहीं दोषियों को आपने, क्या हुआ उसके साथ? कोई केस चला था मायावती के मामले में? समाजवादी पार्टी की सरकार ने कुछ केस वोस चला था? कुछ केस वोस चला था? एक के मिश्रा, एक मिनट, उधर साहब, क्या अपना यादव अपना यादव के बीजेपी में शामिल होने से आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, वो अपर्णा यादव हमारी अपनी एक वो है कि कोई बहुत राजनीतिक वो मतलब शख्सियत नहीं है, उनकी कोई राजनीतिक शख्सियत नहीं है। हाँ, वो एक उनका बस एक है कि फैमिली बैकग्राउंड है कि मुलायम सिंह यादव की वो बहू है, इस नाम से उनको जाना जाता है। और 2017 के चुनाव में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। फैमिली बैकग्राउंड प्रियंका गांधी का है, इंदिरा गांधी की नातिन है जो बोलती है कि मेरा चेहरा मेरी दादी से मिलता है, वो होता है फैमिली बैकग्राउंड। अरे फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन संघर्ष भी तो है। कौन सा संघर्ष है? हमने तो पहले ही बोला अपर्णा यादव का कोई संघर्ष नहीं है, हमने पहले ही बोला अपर्णा यादव का कोई संघर्ष नहीं है, और प्रियंका गांधी ने क्या संघर्ष कर लिया? हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार करना संघर्ष बोला जाता है? हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार करना संघर्ष बोला जाता है? अभी एक मेरी बात समझिए, अभी उन्होंने एंट्री की है, अभी एंट्री की है। अब आप मुद्दे पे आ गए, बोलिए ना एंट्री। हाँ, मैं मानता हूँ, तो अपर्णा यादव बोल दीजिए, अपर्णा यादव और प्रियंका गांधी एक लेवल पे है, अभी एंट्री दोनों ने की है, दोनों अपरिपक्व जो है। अरे अपनी बात से क्यों हटते हैं? आप ही ने बोला ना कि प्रियंका गांधी ने एंट्री की है, अपर्णा यादव ने भी एंट्री की है, अपर्णा यादव ने एंट्री की। इतिहास में मत जाइए, आपने बोला इतिहास में मत जाइए, अपर्णा यादव ने भी एंट्री की है, तो आप ही के हिसाब से आपने बोला प्रियंका गांधी ने भी एंट्री की है, दोनों ने की है। मान लीजिए, अरे क्यों बात पलट रहे हो यार, अपने जबान पे तो टिको। अरे ईमान वाले मेरे भाई, ईमान पे तो टिको। अरे ईमान वाले मेरे भाई, ईमान पे तो टिको। अभी आपने बोला कि प्रियंका गांधी ने एंट्री की है, मेरी आवाज मिल रही है मोदी से किस टाइप? मैंने तो बोल दिया, भाजपा कांग्रेस सपा की बात ही मत करिए, ये एक साधारण घटना है, एक व्यक्तिगत घटना है, चावला जी, ये राजनीतिक घटना नहीं है। आप पत्रकार हैं,
आप भारतीय जनता पार्टी की बहुत भाषा मत बोलिए, हमने हमने बोला कांग्रेस की बात ही मत करो, जबरदस्ती पार्टियों की बात कर रहे हो, समाज करी बात समाजवादी पार्टी की, इन पॉलिटिकल पार्टियों को हटाइए, फ्री एनालिसिस कीजिए जो मैं कर रहा हूँ, बायस होके मत करिए। क्या कर रहे हो तुम, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हो आप, मैंने कहीं बिल्ला लगाया है भारतीय जनता पार्टी का, आपको दिख रहा है, आपने तो टोपी लगाई है दिख रहा है। अरे हाँ तो आप समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ मैं, आप बड़ी भाषा पकड़ लेते हैं, उल्टी भाषा मत पकड़िए, आप किसी के सिपाही नहीं है, आप सपा को डुबाने के लिए आए हुए हैं, आप जैसे प्रवक्ता अखिलेश भैया की लुटिया डुबाने के लिए आप जैसे प्रवक्ता आते हैं, और आपकी बार भी लुटिया, आपकी बार भी आप लुटिया डुबा के छोड़ेंगे। एक के मिश्रा प्लीज थोड़ा सा आराम से पानी पी लूं। अरे कोई पकड़ तो पा नहीं रहे, किसी के पास तर्क है नहीं, जवाब है नहीं, अरे कोई पकड़ तो पा नहीं रहे, किसी के पास तर्क है नहीं, जवाब है नहीं, सनातन की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो भाजपा प्रमुख साहब प्लीज, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब मैं समझ गया आप क्यों एके मिश्रा से इतना प्रभावित है, मैं समझ गया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, आशु आबादी जी अब तो जनता ये कहेगी ना, अब देखिए कितना बड़ा इवेंट हुआ, अब भले ही आप कहें कि इवेंट मैनेजमेंट था, देश की मीडिया बिकी हुई है, देश की मीडिया ने ये कर दिया, दिखा दिया कि छोटी बहू वहां चली गई, आपने एके मिश्रा को भाजपा ही बोल दिया, बोलते हैं लोग, लेकिन आप एक बात बताइए, नैरेटिव क्या गया, परसेप्शन क्या हुआ, लोगों के जहन में यही तो क्या, ये उनकी भाषा बोल रहे हैं मिश्रा जी, उनकी भाषा बोल रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी के बलात्कार में लोगों के पास मेरे तर्कों का जवाब नहीं रहता है, तो कभी मुझे समाजवादी बता देंगे, कभी कांग्रेसी, कभी भाजपाई, मैंने शुरू में बोल दिया पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर करिए, लोगों के पास मेरे तर्कों का जवाब नहीं रहता है, तो कभी मुझे समाजवादी बता देंगे, कभी कांग्रेसी, कभी भाजपाई, मैंने शुरू में बोल दिया पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर करिए, तो मैं बेईमानी से बोल रहा हूँ क्या, आपको तो ईमानदारी वाली चीजें भी बेईमानी लगती है, निष्पक्ष नहीं बोल रहे, ऐसी बाजी जी मुद्दे पे है, आप बताइए ना, लोगों के जहन में तो यही जाएगा ना कि भाई अपना घर नहीं संभाल पाया, वो जो आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, बीजेपी में स्टार प्रचारक कौन कौन से उतरेंगे, उसकी एक लिस्ट जारी हुई है, मैं चाहूंगा कि वो एक बार प्लीज स्क्रीन पर प्ले करिए, और मैं फिर प्रमुख साहब उसके बारे में आगे चर्चा बढ़ाता हूँ, बिल्कुल ये आप देख रहे हैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, प्रमुख साहब तमाम धुरंधर है, एक से एक बड़े धुरंधर है इसमें, और इस लिस्ट के अनुसार प्रमुख साहब वो कुछ और नाम भी ढूंढ रहा था, उदाहरण स्वरूप क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात करें तो एके मिश्रा जी कह रहे थे कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और कंफ्यूज हो गया उजैर निजाम साहब, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, नहीं नहीं एक मिनट, एके मिश्रा जी इस लिस्ट में प्रमुख साहब, अब प्रमुख साहब को फिर स्क्रीन चलाइए, प्रमुख साहब इसमें एक नाम और नीतीश साहब, जानते किसका, महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान, जानते किसका, मेनका गांधी का जी। मेनका गांधी का नाम नहीं है, नहीं मेरा एक छोटा सा सवाल और है, इस लिस्ट में जानते हैं एक और नाम नहीं है, पता किसका, वरुण गांधी का, नहीं मुझे पता था देखिए तिलक जी मैं इसको आभास इसलिए ही मैंने आपको पहले सलाम कर लिया कि मुझे पता भी था कि आप इस क्वेश्चन को करोगे, और मैं इस क्वेश्चन को ट्रांसफर करता हूं क्योंकि राजनीति से इसको बचाना है, तो आप एके मिश्रा जी के पास चले जाएं। गजब गजब क्या ट्यूनिंग है, कोई ट्यूनिंग नहीं है साहब, नहीं कोई ट्यूनिंग नहीं है,
देखिए मैं आपको बताऊं, हम सनातनी हैं, हमारे शरण में जो भी आएगा हम सबको शरण देंगे। ओके ओके सर, अब सबको प्रणाम करता हूं सर। कि मुझे पता भी था कि आप इस क्वेश्चन को करोगे और मैं इस क्वेश्चन को ट्रांसफर करता हूं, क्योंकि राजनीति से इसको बचाना है तो आप एक मिश्रा जी के पास चले जाए। गजब गजब, क्या ट्यूनिंग है, क्या कोई ट्यूनिंग नहीं है साहब, नहीं कोई ट्यूनिंग नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, हम सनातनी हैं, हमारे शरण में जो भी आएगा हम सबको शरण देंगे। ओके ओके सर, अब सब सबको प्रणाम करता हूं सर, सबको। जब माननीय प्रेम सिंह जी की पुत्र वधू का खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है कि हम सपा का सम्मान नहीं करेंगे? हम बसपा का भी सम्मान करते हैं, हम मायावती जी की बहन बोलते हैं। ओके 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 मैं जब आशुपाजी मैंने गलत सवाल उठाए, फिर उदेर साहब आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल उठाए आपने, बहुत लाजवाब। मैं आपके सम्मान करता हूँ आपके सवालों का, आपके जज्बात को सलाम करता हूँ। सलाम करिए आपके सवालों का सम्मान करता हूँ, सलाम करता हूँ। आशु जी रुकिए ना, रुकिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि डिंपल यादव जी, अब रुकिए, एक मिश्रा जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि डिंपल यादव जी मन से ऐलान कर सकती हैं कि 40% नहीं, हम 50% समाजवादी पार्टियों में महिलाओं को टिकट देंगे। आप पैरवी करते हैं यहाँ से, बोलिए। अच्छा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। ओके एके मिश्रा जी, अब मेरे पास लास्ट 2 मिनट बचे हैं और 2 सवाल मेरे प्रमुख साहब के लिए और भी है, लेकिन आप वो कह रहे थे कि प्रमुख साहब की, अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा एके मिश्रा जी से, अब एके मिश्रा जी जवाब देंगे प्लीज, और कोई ये नहीं बोलेगा प्लीज नजाम साहब, और आशु अबाजी जी ये नहीं बोलेंगे कि आप वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप कोई नहीं बोलेगा। देखिए आप लोगों को कोई नहीं बोलेगा, देखिए प्लीज एके मिश्रा जी डिबेट स्वतंत्र होकर, डिबेट का स्वतंत्र होकर, डिबेट मैं स्वतंत्र हूँ। देखिए डिबेट का अपना धर्म होता है, मैं बीजेपी कांग्रेस सपा बसपा अपने मित्रों से, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे भी प्रभावित नहीं होता हूं, आपके खिलाफ भी मैं बोल देता हूं, यही डिबेट का धर्म है। आपने एक बड़ा जेन्यून क्वेश्चन उठाया था कि मेनका गांधी का चेहरा नहीं है बहुत सारे, और स्मृति ईरानी का चेहरा नहीं है, मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा हो सकता है, लेकिन कई चेहरे नहीं है स्टार प्रचारक का। सुन लीजिए ना जरा, मेरे सपा के मित्र से पूछिए कि जया प्रदा मैम प्रचारक होंगी कि नहीं होंगी, कि तनखैया बन के वो केवल जूते साफ कर रही है। जया बच्चन जिनकी नाक पे गुस्सा होता है उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। कांग्रेस के मित्र से पूछ लीजिए कि राहुल गांधी अब की बार स्टार प्रचारक है कि नहीं है, अभी तक कहीं नजर में नहीं आए हैं। ऐसे में 2500 नाम आपको गिना सकता हूं जो कि पार्टियों ने अभी तक राज नहीं खोले हैं, वो क्यों नहीं है, उनसे पूछिए ना वो क्यों नहीं है। रही बात अपर्णा यादव का जो मुद्दा है जिसपे आपने डिबेट शुरू की थी, वो एक साधारण महिला है, उनका कोई राजनीतिक कद नहीं है। कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे कि महिलाओं का हम बड़ा सम्मान कर रहे हैं, सपा भी बोल रहे थे, ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ सपा और कांग्रेस से हमारी मुस्लिम महिलाओं का बड़ा शोषण हुआ है, 1000 साल से शोषण ही हो रहा है। 50% सीट आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए, मत दीजिए हिंदू महिलाओं को, एक भी हिंदू महिला को आप मत दीजिए, मैं उफ नहीं करूंगा, लेकिन महिलाओं का कल्याण करना है तो सपा और कांग्रेस 50% सीट जो है मुस्लिम महिलाओं को दे। ओके, ले लीजिए इनसे, इनसे डिक्लेरेशन ले लीजिए। नहीं, वो आवाज चली जाती है, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, उधर जो सबसे ज्यादा सताई हुई महिलाएं हैं मुस्लिम महिलाएं, उनको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 50% सीट दे दे, कोई हिंदू विरोध करने नहीं आएगा। ओके प्रमुख साहब, आप बुझाए नहीं फड़फड़ाई प्रमुख साहब की, जब मिश्रा जी बोलते हैं तो बहुत सादगी सुनते हैं, बहुत सम्मान, अच्छी बात है। नहीं, नहीं, आप कोरिलेशन मत करिए, मैं प्रमुख जी को भी पकड़ लेता हूँ और इनको तो मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, गर्दन से पकड़ता हूँ। नहीं नहीं मिश्रा जी गुस्सा नहीं आप पता नहीं क्यों गुस्सा, आप आशु जी कह रहे हैं, नजाम साहब कह रहे हैं, अब डिबेट में कई लोग बोल जाते हैं कि मिश्रा जी कौन से बीजेपी प्रवक्ता दो दो बिठा रहे हैं। भैया मैं किसी की जमान थोड़ी पकड़ा हूँ यार, लोग पता नहीं क्यों मुझे बीजेपी का कांग्रेस का प्रवक्ता अभी देखिए क्या, अगर ये अकल की बात करें, देखिए जहां पे कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे हैं प्रियंका गांधी को बता रहे हैं कि फ्रेश एंट्री किया है, तो ये क्या समझते हैं मैं इनकी तारीफ करूंगा, जो लुटिया डुबोने के लिए अपनी पार्टी का सपा कांग्रेस बसपा के प्रवक्ता बैठ जा। आप
प्रमुख साहब एक सवाल चलते मैंने क्या कहा था दो सवाल आए हैं आपने बता दिया आपकी बात को समझने का टाइम नहीं है मेरे पास भाई वक्त नहीं है एक सेकंड मेरे पास वक्त बहुत कम है एक